नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कटगी से आ रही है, जहां बंदूक की नोक पर कटगी स्थित शराब की दुकान में दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और नकाबपोश लुटेरों और बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अलग अलग शराब दुकान से इकट्ठा कर कर्मचारी पैसे लेकर आए थे। ये घटना दोपहर 3 बजे की है, जहां शराब की दुकान पर पहुंचकर लुटेरों ने पैसों को लूटकर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई और अपराधियों का पतासाजी में जुटी है। उस बदमाशों ने घटना का अंजाम देखो, कितने के लूट है, क्या कुछ घटना बताएंगे? आबकारी के माध्यम से जानकारी हुआ है कि आज दोपहर लगभग 2:45 बजे के आसपास इनकी जो कैश व्हीकल होती है, जो प्राइवेट एजेंसी जिसमें रहती है, वो लेकर आई थी कैश यहाँ पे, और उसके पीछे पीछे दो लोग जो हैं बाइक सवार, वो लोग अंदर आ गए और उनका जो कैश रखा था उसको कोई कट्टा नुमा कोई चीज़ जो दिखा के उसको लूट कर ले गए हैं। अभी कैश की आबकारी कार्यालय से जानकारी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पे हैं अंदर में, क्योंकि ये घटना आबकारी कार्यालय के अंदर से, मतलब जो शराब दुकान है उसके अंदर से हुई है, अंदर से आके वो आरोपी जो है लेकर गए हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, आसपास जो है देहात तरफ जाने का लोकेशन मिला है और टीमें लगी हुई हैं, साइबर से भी लगा हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसमें लग रहा है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े ऐसी घटना का अंजाम दे रहे, पुलिस खौफ नहीं क्या आरोपियों पर? नहीं, इसमें तो ये जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद आज चार्ज लिया है, जानकारी मिली नहीं। अभी तक जांच कहां तक आगे बढ़ी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, जल्दी ही इसमें और भी दीगर जो जो आसपास के जिले हैं, आसपास के थाने हैं, उनको भी इंटीमेशन दिया गया, सभी जगह नाकाबंदी लगी गई है, फुटेज आ चुके हैं पुलिस के पास में, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, कुछ क्लू मिलेगी। सर पूर्व भी यहाँ चोरी